नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं है जब झारखंड के युवा झारखंड पुलिस की वर्दी पहनेंगे। जी हां दोस्तों, झारखंड पुलिस की सारी नियमावली में संशोधन फिर से किया गया है और दिसंबर में झारखंड पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सिपाही बनने के लिए दिसंबर में युवा दौड़ेंगे, फिर देंगे लिखित परीक्षा। जी हां दोस्तों, झारखंड पुलिस में दिसंबर में झारखंड पुलिस की वैकेंसी आ रही है। जी हां, और ये वैकेंसी कितनी है, कितनी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो अगर वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सबों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस छठ पूजा 2022 की छठ पूजा में झारखंड सरकार आप सभी झारखंडियों के लिए एक बहुत ही बेहद और बहुत ही शानदार तोहफा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप झारखंड के कोई भी पेपर में आप देख सकते हैं, आपको ये सारे चीज़ झारखंड पुलिस की वैकेंसी के बारे में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, झारखंड पुलिस भर्ती नियमावली में किया गया है संशोधन। इसकी संशोधन फिर से किया गया है और क्या संशोधन हुआ है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, कि कौन कौन से स्टूडेंट्स में भर सकते हैं और कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, सारी इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सिपाही बनने के लिए दिसंबर में युवा पहले दौड़ेंगे, फिर देंगे परीक्षा। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप उससे आपको दौड़ना शुरू कर देना होगा, क्योंकि दिसंबर में इसकी दौड़ हो सकता है शुरू हो जाएगी और नवंबर तक यानी कि छठ पूजा के बाद इसकी आपको नोटिफिकेशंस भी देखने को मिल जाएगा वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, तो अभी अगर आप सोए हैं तो उठिए और जागिए और दौड़ना शुरू कर दीजिए। झारखंड में मात्र 20,000 नहीं 13,000 पदों पर होगी सिपाही भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू, क्योंकि गृह विभाग में लगभग 20,000 पद खाली हैं, लेकिन इसमें अभी मात्र में 13,000 वैकेंसी आ रही है। ओके, 13,000 वैकेंसी भी आएगी, तो अभी आपको एकदम शुरू से लग जाना है दौड़ने के लिए। और 13,000 वैकेंसी कम नहीं होती मेरे दोस्त, जैसे लिखा हुआ 13,000 वैकेंसी की होगी भर्ती, तो 13,000 कम सीट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सीट होता है। झारखंड में 13,000 पदों के सिपाही भर्ती की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू, इसके लेकर गृह विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और दिसंबर माह में भर्ती और योग्य युवाओं को पहले दौड़ होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। आपको पहले इसमें दौड़ाया जाएगा, उसके बाद ही परीक्षा लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले के सरकार में पहले परीक्षा लेता था, लेकिन अब इसमें जो है संशोधन करके इसमें पहले दौड़ाया जाएगा, फिर लिखित परीक्षा लेगा। ओके, तो जैसे लिखा हुआ है, शारीरिक दौड़ लगाए जाएंगे, फिर लिखित परीक्षा देंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग गृह विभाग द्वारा ली जाने वाली इस परीक्षा के लिए गृह विभाग आयोग को अध्याचना भेजेगी छठ के बाद। छठ के बाद इसकी अध्याचना भेजेगी, पूजा के बाद अध्याचना भेजने की सूचना ही है। सिपाही भर्ती से पहले शारीरिक परीक्षा ली जाएगी, फिर लिखित परीक्षा होगी। इसको लेकर पिछले दिन ही कैबिनेट में अप्रूवल मिल चुका है, इसके पहले शारीरिक होगी उसके बाद ही एग्जामिनेशंस होगी, इसके लिए कैबिनेट में भी अप्रूवल मिल चुका है। सरकार ने झारखंड पुलिस की भर्तियों में नियमों में संशोधन किया है। इसके पहले दिसंबर 2021 में ही सीएम हेमंत सरकार ने कहा था कि सिपाही भर्ती के नियमों में बदलाव करेगी और सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक परीक्षा लिया जाएगा और बाद में लिखित परीक्षा लिया जाएगा, क्योंकि इसके पहले दिसंबर 2021 में ही हेमंत सरकार ने ये घोषणा किया था कि पहले की सरकार जो थी वो पहले लिखित लेती थी, लेकिन हमारी सरकार पहले इसमें शारीरिक जाँच करेगी, उसके बाद ही जो शारीरिक जाँच में एलिजिबल हो जाएंगे, जो पास हो जाएंगे, उसी की हम लोग रिटर्न करेंगे। तो सारा चीज़ आपको पेपर में ये चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों। तो अभी आप अगर सोए हैं तो जगिए और दौड़ना शुरू कीजिए। सरकार की छोटी सी भी देखिए आगे क्या लिखता है कि सरकार ने पुलिस की छोटी नौकरी के लिए भी लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी है, लेकिन हमारा सरकार ने नियम बदली और इसके विभाग के पहले शारीरिक क्षमता की दक्षता चेक करेगी, और पहले इसमें क्या होगा, शारीरिक क्षमता इसमें चेक किया जाएगा। और ये होगी आपके टोटल पद, टोटल 13,000 पद आने वाली है, तो आप घबराइए नहीं, बहुत ज़्यादा पद है जो झारखंड पुलिस में देखने को मिलेगा। ओके, मैं बात करता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपको कम से कम कितना पढ़ा होना चाहिए। तो आपको 10 मंथ कम से कम पढ़ा होना चाहिए, वो झारखंड से ही होना चाहिए, और
ट्वेल्थ यानी कि टेंथ और ट्वेल्थ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, नई नियमावली में सिपाही की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से दसवीं और इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है, यानी कम से कम आपको ट्वेल्थ होना अनिवार्य है कर दिया गया है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप टेंथ पे ही भरेंगे, आप ट्वेल्थ हैं तभी भर पाएंगे, टेंथ वाले आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। साथ ही आवेदकों को स्थानीय रीति रिवाज का भी जानना अनिवार्य है, यानी कि आपको झारखंड का रीति रिवाज, जैसे कि एक रीजनल लैंग्वेज है, उसको आपको पेपर में आपको रहेगा ही रहेगा। तो आप भी अगर सोच रहे हैं कि ये टेंथ लेवल पे है, तो अब टेंथ लेवल सरकार ने हटा दी है और इसे ट्वेल्थ लेवल कर दी है। आपको अगर ट्वेल्थ लेवल नहीं है तो आप फॉर्म भरने में एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए आपको ट्वेल्थ होना अनिवार्य है दोस्तों। तो अगर आप ट्वेल्थ किए हैं तभी झारखंड पुलिस की तैयारी कीजिए, व अन्यथा झारखंड पुलिस की तैयारी नहीं कीजिए, क्योंकि झारखंड पुलिस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है और टेंथ की जगह ट्वेल्थ कर दिया गया, यानी कि आप ट्वेल्थ हैं तभी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे। और इसके एग्जामिनेशन फॉर्म जल्दी आप सबको मिलने वाली है, क्योंकि दिसंबर में लिखा है कि दौड़ होगा, तो दिसंबर से पहले आपको नवंबर में, रहा जान रहे भी नवंबर ही चल रहा है और नवंबर बस आने वाला है एक दो दिन में नवंबर, तो नवंबर में इसकी नोटिफिकेशन छठ के बाद, जैसे 31 को छठ खत्म हो रही है, तो यह 27, 2 या 3 को आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी देखने को लिए। तो अभी आपके पास एक महीना टाइम है, एकदम आराम से दौड़िए और इसके एग्जामिनेशन के आप एक पद लेने के हकदार बन जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही था, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद छठ पूजा के। तो आप फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।